Hello dear students, welcome to my channel. In this video, I will solve a very basic and important question of continuity. So now let's start the question. The question says that the function fx is equal to 4 minus x squared divided by 4x minus x cube is. Option A is discontinuous at only one point. Option B is discontinuous at exactly two points. Option C is discontinuous at exactly 3 points and option D is none of the above. So, इस questions को solve करने के पहले आइए कुछ basic concept समझते हैं. मान लो कि हमारे पास एक function दिया हुआ है y is equal to fx divided upon gx. तो ये function तभी defined होगा जब इसकी denominator 0 के equals नहीं होगा. और हमारा दूसरा concept ये है कि मान लो कि हमारे पास कोई function y is equal to fx दिया हुआ है और ये किसी पॉइंट a पे कंटीन्यूअस तभी होगा जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और साथ ही साथ इस फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट a पे ये तीनों आपस में इक्वल्स होते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो कंटीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a और साथ ही साथ ये वैल्यू फिनाइट वैल्यू होनी चाहिए. तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि डिसकंटीन्यूअस पॉइंट्स का मतलब होता क्या है. सो बेसिकली डिसकंटीन्यूअस पॉइंट्स का मतलब ये होता है ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइंड ही ना हो तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी बोलते हैं. और अभी हम लोग ये सीखे हैं कि कोई भी फंक्शन डिफाइंड तभी होता है जब इसकी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल्स नहीं होता है. बट मेरे को यहाँ पे क्या करना है वैसा पॉइंट कैलकुलेट करना है जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ना हो. तो इसके लिए क्या होगा कि ये डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल्स होना पड़ेगा. मीन्स हमारा ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा 4x माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा. और इसको कुछ इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ से ये कुछ ऐसा हो जाएगा x इंटू टू माइनस एक्स इंटू टू प्लस एक्स बिकॉज यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूले का यूज हो गया. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 और 2. तो बेसिकली ये वो सारे पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. तो अब आप लोग का ये डाउट हो सकता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि यही तीनों पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. मीन्स किसी भी पॉइंट पे जब आप फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो आपस में इक्वल नहीं आएगा. तो यहाँ से आप लोग कंफर्म कर सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये सारे पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है. मीन्स हमारा जो फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स. आशा करता हूं कि आपको ये वाली क्वेश्चन समझ में आ गई होगी. और मैथ्स के किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो.